श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत अलापुरा में पीडीएस दुकानों में मिलने गेहूं को लेकर हितग्राहियों में गुस्सा है। हितग्राहियों का कहना है कि गेहूं में कीड़े लगे हैं जिन्हें इंसान तो दूर जानवर भी खाने से बीमार हो सकते हैं। मामला श्योपुर जिले की ग्राम पंचायत अलापुर का है, जहां उचित मूल्य की दुकान पर श्योपुर शासकीय वेयर हाउस से ग्रामीणों को दिया जाने वाला गेहूं पहुंचाया गया है, जिसमें कीड़े लगे हुए हैं। दुकान संचालक ने बताया कि अधिकारियों की जिम्मेदारी है कि वहां गेहूं को दिखवा कर भिजवाएं, तो वहीं गेहूं लेने पहुंचे लोगों का कहना है कि गेहूं इतनी खराब क्वालिटी का है कि जिसे इंसान तो दूर की बात जानवर तक खाना पसंद नहीं करेंगे। खराब गेहूं आ रहा है अभी, ये नथिन जी मतलब ये अधिकारियों के नथिन मतलब जी वो है जी नान वालों ने नथिन चेक करके इतनी भिजवाना चाहिए जो नान के नथिन मतलब जी वो है साथ ये तो नान की जिम्मेदारी है। तो ये फिर देखो फिर उसके बाद में भी नथिन ऐसा गेहूँ आ रहा है। अच्छा। अब जनता नथिन जी हमसे नहीं लेती। अच्छा हम क्या करें जी उसमें नथिन जी बार बार में नथिन जी हमको परेशानी आती, गाली देते हैं जी गाँव वाले। बकरा बकरी ना खाओ, आदमी का खाओगे मारे का कहते तो कार्रवाई होनी चाहिए दादा। हो मारा का ना जेर खुआ दो गाँव के बदले यारो। अच्छा भाई गाँव ना तो देखो लक्कन सु डांडा ना कहो यानी आदमी कान दे रहते ना जेर खुआ दे मा कान सर तो लार हुआ 25 रुपए की तेली मल रही थी उनको आते गाँव के बदले। सीओपुर से खरवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।